बंधु आगमन ही प्रस्थान का कारण होता है और जन्म लेना ही मृत्यु का कारण होता है, फरना ही झरने का कारण होता है और बढ़ना ही बुताने का कारण होता है, दिन ही रात्रि का कारण होता है और हंसना ही रोने का कारण होता है और मित्रता ही शत्रुता का कारण होता है और भजना ही तजने का कारण होता है। सदगुरु कबीर तमाम दुनिया के लोगों से पूछते हैं कि ये दुनिया के लोग किसका भजन करना चाहते हो, इसलिए कि भजने वाले तजते हैं और आने वाले जाते हैं और जन्मने वाले मर जाते हैं। तो सदगुरु कबीर पूछते हैं कि भजो तको है भजन को, तजू तको है आन, भजन तजन के बीच में सोई सब गुरु पहचान। आखिर किसका भजन किया जाए और तजा किसको जाए? ये सारी दुनिया, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो और ईसाई हो, महिला हो या पुरुष हो, कहीं भजन नहीं, कहीं भक्ति नहीं चल रही है, चारों ओर राग द्वेष चल रहा है, जलन। साहब कबीर कहते हैं, कबीर यह जग जलते देखा अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जा सो रही है लाग। सारी सृष्टि जल रही है, भजन भक्ति कहीं नहीं हो रहा, कहीं नहीं है। आज राम के भजने वाले रावण को गाली पड़ते हैं, कृष्ण के भजने वाले कंस को गाली पड़ते हैं, पांडव के भजने वाले कौरव को गाली पड़ते हैं, राम के भजने वाले को रहीम से द्वेष है, करीम के भजने वाले को कृष्ण से द्वेष है, महादेव के भजने वाले को मोहम्मद से द्वेष है, हजरत के भजने वाले को हरि से द्वेष है, ब्रह्मा के भजने वाले को बिस्मिल्ला से द्वेष है, कावा जाने वाले को काशी से द्वेष है, मथुरा जाने वाले को मक्का से द्वेष है और गंगा नहाने वाले को जमजम से द्वेष है। ये सारी सृष्टि राग और द्वेष में जल रही है। बोलिए भजन किधर है? अगर हिंदू को छोड़ दिया जाए तो मुसलमान के मस्जिद में सुगंध फेंक देगा, और मुसलमान को छोड़ा जाए तो हिंदू के मंदिर में वो गाय का रान फेंक देगा, सिख को छोड़ा जाए तो ईसाई के गिरजा घर को जला देगा, और ईसाई को छोड़ा जाए तो सिख को गुरुद्वारा को बुलडोजर से ढा देगा। बोलिए भगवान किधर रहते हैं और पूजा किधर चल रहा है? फर्क है कि एक भिखमंगा, भीख मांगने वाला, उसका पूरा बदन नंगा है, डांड़ में एक फटा पुराना मैला धोती है, नाखून पैर के बड़े हैं, हाथ के नाखून बड़े हैं, पेट भूख से पीठ में सट गया है, मोच दाढ़ी केश अभद्र के तरह बढ़े हुए हैं, धूल कण से भरे हुए हैं, लग रहा है कोई पागल दिवालिया है। वो मंदिर के बाहर बैठा है, लोगों से मांग रहा है, ये बाबू एक पैसा दे दे, मैं कई एक रोज का भूखा हूं। और दूसरा भिखमंगा मंदिर के अंदर बैठा है, मंदिर के अंदर वाले भिखमंगा के शरीर पर 2 लाख का जेवर है, 20,000 का कपड़ा है,
बाहर के भिख मांगने का पेट खाली है, वो पेट भरने के लिए मांग रहा है। अंदर के भिख मांगने का पेट भर चुका है, अभी पेटी भरने के लिए मांग रहा है। है कोई धनवान? साहब कबीर ने कहा पूरा संसार दरिद्र है। कबीर, यह जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, और धन बनता है सोई जना जो राम नाम धन होए। पूरे संसार को सदगुरु कबीर ने दरिद्र कह के पुकारा, ये सारा संसार दरिद्र है। जो भिख मंगा है वो बाहर है, और जिसके ऊपर धन है वो भीतर है। दोनों भिख मंगा, किसका भजन किया जाए, किससे किसके भजन से हमारे जीवन में सुख शांति आएगी। इसलिए कि बहुत लोग कहते हैं 56 करोड़ देवता, और कोई बहुत लोग कहते हैं 33 करोड़। 50 गो देवता के नाम गिनाइए तो कोई आया, छोड़ दीजिए 56 करोड़, 33 करोड़, 50 का नाम गिनाइए। पूजा कितने की चल रही है, भगवान की जनसंख्या कितना है, और पूजा कितने की चल रही है। अभी मैं सुन रहा था, जागा जागा महादेव, एक महादेव के पूजा करने से काम चल जाएगा। घर में अगर 20 आदमी हो और एक आदमी को पंगत करा दिया जाए, 19 को छोड़ दिया जाए, घर जलेगा कि बचेगा? वो घर जलेगा कि बचेगा? अरे महादेव जी, कम से कम 3 भाई है, बड़ा का नाम है ब्रह्मा, मझिला का नाम है विष्णु, और छोटा का नाम है महादेव। गांव में कोई 3 भाई है, एक भाई को निमंत्रण देके खिला दीजिए और 2 भाई को छोड़ दीजिए। वो 2 भाई आपसे दोस्ती रखेगा जिसको आपने छोड़ दिया? तो एक महादेव जी के भजन करने से बेरा पार हो जाएगा क्या? आ कहीं रास्ते में विष्णु जी मिल गए तो सारा मिर्गी आपका उतार देंगे उसी जगह, तब आपका भजन हो गया, आप सतलोक चले जाएंगे, बैकुंठ चले जाएंगे। आप राम के भजन करते हैं, भगवान राम 2-4 नदी पार करेंगे, अब 5वां नदी पर रावण मिल जाए तो सारा मिर्गी उतार देगा आपका, तब आप चले गए बैकुंठ, कल्याण आपका हो गया। किसका भजन किया जाए? साहब कबीर कहते हैं भजू तो को है भजन को, कौन तुम्हारा हित है, कौन तुम्हारा दोस्त है जिसका भजन किया जाए, और तुम्हारा दुश्मन कौन है जिसको तज दिया जाए। ये भजने तजने के बीच में सब पड़े हैं, सब राग द्वेष में पड़े हैं। एक को भजते हैं, दूसरे को गाली पड़ते हैं, यही राग और द्वेष, राग और द्वेष में फंसे, भजन कहां होगा? अगर हिंदू धर्म सही है हमारा तो हम लोग पूरब घूमते हैं, अब मुसलमान को जाके आप गांव में रात्रि में चेकिंग कीजिए, एक भी मुसलमान की महिला और पुरुष एक भी पश्चिम पैर करके नहीं सोएगा, सबका पैर है पूरब की ओर। वो पैखाना पेशाब करेगा पूरब की ओर घूम के, थूक फेंकेगा पूरब की ओर घूम के। अगर हमारे हिंदू देवता हैं, उनके कृपा से अगर सब कुछ होता है तो मुसलमान को तो नाश कर देना चाहिए नहीं, क्योंकि इनके विरोध में वो सब काम करता है। हम लोग मोच रखते हैं तो दाढ़ी रखता है। एक हमारे शिष्य हैं मोहम्मद शमसुद्दीन साहब, देवरिया जिला के रहने वाले, कल मेरे साथ थे। उन्होंने कहा कि लोगों ने मेरे विरोध में एक मौलवी को बुला के लाया कि देखो ये कबीर धर्म स्वीकार कर रहा है। मौलवी आए, अपना कथा प्रवचन शुरू किए। उन्होंने कहा कि मोच नहीं रखना चाहिए। कहा क्यों? तो मोच से जो पानी गिरता है और मुंह में जाता है तो नपाक हो गया। शमसुद्दीन साहब ने मौलवी से पूछा कि मौलवी साहब, ये पूरे दुनिया को किसने बनाया? तो उसने कहा अल्लाह ने बनाया। तो अल्लाह कैसा बदमाश था कि मुंह के ऊपर मोच क्यों बनाया कि मुंह में जाने से नपाक हो जाए?
आज जो कहते हो मोच कटाने के लिए, अल्लाह को तो उसी दिन आंख होना चाहिए कि मुंह के ऊपर हम मोच नहीं दे। मौलवी चुपचाप उठ के भाग गया, कहा कि इससे हम नहीं जीतने वाले। हम मोच रखते हैं तो दाढ़ी रखता है, हम टीकी रखते हैं तो सुन्नत कराता है, हम गाय के पूजा करते हैं तो गाय काट के खाता है, हम पूरब घूमते हैं तो पश्चिम घूमता है, हम धोती पहनते हैं तो लुंगी पहनता है, हम लोटा रखते हैं तो बदना रखता है, हम इधर से उलट के पढ़ते हैं तो इधर से उलट के पढ़ता है। कहीं मेल नहीं, केवल जन्म लेने के समय मेल है, चूंकि प्रकृति प्रकृति ने कोई बेईमानी नहीं किया, प्रकृति ने अपने नियम में कोई बेईमानी नहीं किया। अगर प्रकृति पर पुरवैया हवा चल रही है तो सबके लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी यहूदी औरत मर्द सबके लिए। अगर पछिया हवा चल रही है तो सबके लिए, अगर बारिश हो रही है तो सबके लिए, अब तूफान आया है तो सबके लिए। अभी आम का वृक्ष मजरा है तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान के दरवाजे पढ़कर नहीं मजरा है, वहां भी मजरा है। हिंदू के दरवाजे पढ़ के गाय भैंस बच्चा दी है, ऐसा नहीं है कि मुसलमान के दरवाजे का नहीं दिया। प्रकृति ने अपने नियम में कोई बेईमानी किया ही नहीं, यहाँ के बेईमान लोग अपना अपना नियम अलग बना के और इतना छेड़खानी पैदा किया। आए तो हम इंसान बन के माँ के गर्भ से, साहेब कबीर कहते हैं, हंसा तू तो सवल था हलकी अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया ते और किया लगवा। ए हंस, जिस दिन तू माँ के गर्भ से बाहर आया था, तेरी चाल बिल्कुल निराली थी। उस दिन तुम्हारे अंदर कोई जातीयता की भावना नहीं थी, कोई सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी, कोई छुआछूत की भावना नहीं थी, कोई अवर्ण सवर्ण की भावना नहीं थी, कोई नीच ऊंच की भावना नहीं थी। उस दिन तू मांस मछली तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पान सुपारी शिखर पराग जर्दा किमाम चाय नहीं पी रहे थे। उस दिन तू चोर लबरा लंपट बेईमान दलाल घुसखोर नहीं थे। उस दिन तुमको भगवान की आवश्यकता नहीं थी। जो बच्चा जन्म लिया है उसको भगवान नहीं चाहिए, उसको मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। उस दिन तेरी चाल निराली थी। उस बच्चे को सदगुरु कबीर ने हंस का उपाधि दिया, हंसा तू तो सवल। लेकिन आज क्या हुआ, जब जवानी आई है, जवानी आई तो गलत रंग चढ़ा आपके ऊपर। रंग कुरंगे रंगिया, रंग एक सीधा साधा शब्द है, उसमें उपसर्ग लग गया। कु लग जाने से रंग बिगड़ गया। जब मनुष्य की जवानी आती है तो गलत रंग में अपने को रंगता है। गलत रंग क्या है, काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा अहंकार, ये रंग मानव के ऊपर जवानी में चढ़ती है। कोई लड़का लड़की भाग जाते हैं जवानी में, जब काम का रंग चढ़ा निकल गए। जवानी में आप मर्डर करेंगे किसी का क्रोध में आके, जवानी में किसी से दलाली खाएंगे, घूस खाएंगे, बेईमानी करेंगे, चोरी करेंगे, दूध में पानी मिलाएंगे, आटा में चोकर मिलाएंगे, घी में डलडा मिलाएंगे, चावल में कंकर मिलाएंगे। ये सारी घटना जवानी की। आज भी गाय को भगवान नहीं चाहिए, भैंस को भगवान नहीं चाहिए, कुत्ता गीदड़ को भगवान नहीं चाहिए, हाथी घोड़ा को भाई भगवान नहीं चाहिए। भगवान चाहिए बेईमानों को, भगवान चाहिए घुसखोर को, भगवान चाहिए दलाल को कि पाप कट जाए, मंदिर में जाके पाप हमारा कट जाए।
जो ईमानदारी पर चलने वाला है और जो अपने आप को जान रहा है, सारे दुनिया के लोगों को जान रहा है, वो मंदिर में जाके क्या करेगा? वो मस्जिद में जाके क्या करेगा? उसका इकाया बडीज टेम्पल, ये काया उसका मंदिर है जो प्रकृति ने बनाया है, ये प्रकृति का बनाया हुआ मंदिर है। अब कौन मंदिर चाहिए? ईटा बालू सीमेंट वाला ओरिजिनल मंदिर नहीं चाहिए, डुप्लीकेट चाहिए। 65 वर्ष का उम्र है मेरा, आज तक मैं एक चींटी को नहीं मारा हूं, आज तक एक चींटी को नहीं मारा हूं। कोई बीड़ी खैनी तमाकुल चाय पान जर्दा किमाम नहीं खाया हूं, आज तक किसी का 5 नया पैसा मेरे जिन्ने बकाया नहीं है, आज तक किसी के बेटी बहू को हम कुछ कहे नहीं है। हम क्यों जाएं मंदिर? जिस साल परम पूज्य अविलाख साहेब जी का अंत हो गया, उस साल मैं गया, उस बार बार मैं जाता रहा इलाहाबाद। इलाहाबाद तो ऐसा जगह है कि मुझे परिवर्तन कर दिया। मैं बचन वंश में था, एक आदमी जीत किया, नेपाल का आदमी हमसे लड़ाई कर दिया, जो बात हम बोलते थे वो काट देता था। हमको बहुत गुस्सा आता था उस पर, कहा गुस्साइए नहीं, एक बार इलाहाबाद तो चल के देखिए। उसी साल मैं टिकट कटाया, इलाहाबाद गया, वहां का व्यवस्था, वहां का रहन सहन, वहां का ज्ञान देख के हमें परिवर्तन हुआ और मैं बालक सिद्धार्थ में चला गया। उसी दिन छोड़ दिया बचन बंधन। तो गया तो समस्तीपुर में दो चार महिलाएं हमारे पीछे पड़ गई, बाबा हमको भी ले चली। हम कहा चली गई। जब इलाहाबाद स्टेशन पर उतरे प्रयागराज, तो महिला हमें क्या कहती है, बाबा जरा त्रिवेणी संगम, उसको तो स्नान करना था, उसको इलाहाबाद नहीं जाना था, सत्संग में नहीं जाना था, उसको त्रिवेणी संगम जाना था। हमको कहती बाबा जरा त्रिवेणी संगम हम लोगों को दिखाई। हम देखे नहीं ले जाएंगे तो कहेगी बाबा जी कैसा रार है, वहां से लाया यहाँ के छोड़ दिया। वे चली गए। अब तो केवट सब नौका वाला से चाह रहा था कि हमारा बांह उखाड़ देगा। हम ये एक नौका वाला इधर घिसता था, एक इधर, हमारा नौका पर चढ़िए था, हमारा नौका पर चढ़िए। वहां गए तो नहाने के लिए धार में बंडाल बना के रखा था, बांस को पकड़िए डुब्बी मारिए अन्यथा बह जाइएगा वहां। तीनों चारों महिला गई स्नान करने, हम नौका पर बैठे रहे। नौका वाला 80 वर्ष की उम्र का था, कहा बाबा आप नहीं स्नान करेंगे? हम कहे हम कोई पापी न करते हैं तो धो दे क्या, यहाँ के धोए क्या, पापी ना आकर के यहाँ धोएगा, हम पापी न करते। वो कहा कि मेरा 80 वर्ष का उम्र हो गया, मैं नहाऊंगा इलाहाबाद, तो कबीर आश्रम है वहां नलका के स्वच्छ जल से मैं नहाऊंगा, इससे मार वाला पानी हरियर थूक खार के पानी से मैं स्नान नहीं करूंगा। वो कहा कि आज 80 वर्ष के उम्र में आप एक मिले जो आज त्रिवेणी संगम से आप वापस जा रहे हैं, स्नान नहीं किए। हम नहीं स्नान किए। 4 बार सोनपुर मेला आए हम देखने, एक बार भी गंगा में हम पैर नहीं लगा सके, ताकि ना ये गंदा पानी में हम नहीं स्नान करें। हम नलका पर जाके स्नान करते थे। कौन पाप किए कि हम धोने के लिए जाएं? बोलिए। एक पादरी जी थे, पादरी जी नित्य दिन मंच पर प्रवचन देते थे, ये दुनिया के लोग भगवान पर विश्वास करो और पुण्य कर्म करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। चलता रहा प्रवचन अनवरत गति से। 2-4-6 महीना के बाद एक पारसी संत गए और पादरी से कहते हैं, पादरी जी 6 महीना से आपका प्रवचन मैं सुन रहा हूं, 2 बात पर आप अधिक बल देते हो, भगवान पर विश्वास करो और पुण्य कर्म करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी।
आज मैं वही दोनों बात समझने आया हूं आपके यहां। पादरी कहा बोलिए। कहा जो भगवान पर विश्वास करे, रात दिन भगवान की पूजा करे, अब वो कर्म बढ़िया न करे, उसकी क्या गति होगी? और जो भगवान पर विश्वास न करे, अपने कर्म पर विश्वास करे, कर्म बढ़िया करे और मंदिर न जाए, उसकी क्या गति होगी? पादरी चुप हो गया। का इसका अर्थ मैं नहीं जानता हूं। कहा तू ही प्रवचन करते हो, आपने बोले हुए बात का जवाब नहीं जानते हो, तो अब तुम्हारा प्रवचन क्यों होगा? खबरदार, कल से तुम्हारा प्रवचन बंद है। पादरी जी को बड़ा कष्ट हुआ। कहा एक काम करो, दो दिन का छुट्टी हमको दे दो, बूझ विचार के मैं जवाब दे दूंगा। कबीरपंथी साधु कहे ठीक है, मैं आपको दो दिन या पांच दिन का छुट्टी दे रहा हूं, जाइए। पादरी जी अपने घर गए और नित प्रतिदिन शाम में भोजन करके और विश्राम के लिए बिछावन पर जाते थे और जवाब के लिए चिंतन करते थे। चिंतन करते करते 11-12 बज गया रात, जवाब कुछ आया नहीं, निद्रा आई और पादरी जी सो गए। चार रात का समय बीत गया, कोई जवाब नहीं मिला। आज अंतिम पांचवा रात, पादरी जी बहुत दुखी हैं, बहुत चिंतन में। कल वो साधु पूछेगा जवाब, और जवाब अभी तक कुछ आया नहीं, मैं क्या जवाब दूंगा? आज चिंतन करते करते 2:30-3 बज गया भोर, लेकिन कोई जवाब आया नहीं। निद्रा आई, पादरी जी सोए और सपना देखने लगे। सपना में पादरी जी की मृत्यु हो गई। ये दृष्टांत है, इसको सिद्धांत आप लोग मत समझिए। पादरी जी की मृत्यु हो गई और मृत्यु हुई तो जमराज महोदय आ गए और पादरी जी को कहा, पादरी जी अब आपका समय पूरा हुआ, अब आप तैयार हो जाइए चलने के लिए। तो पादरी जमराज से पूछा, हमको कहां ले चलिएगा? तो जमराज कहा, आपको मैं स्वर्ग ले चलूंगा। बड़ा खुश हो गए पादरी जी, वाह तब तो ठीक है। एक काम कीजिए, 10 मिनट में आप आ जाइए और तब तक मैं तैयार हो जाता हूँ चलने के लिए। कहा ठीक है। 10 मिनट के बाद आ गए जमराज। पादरी जी तैयार है? कहा तैयार तो है, लेकिन एक बात आपसे और पूछना है। कहा जल्दी पूछिए। कहा स्वर्ग की विशेषता हमको कुछ बताइए आप। जमराज ने कहा, स्वर्ग की विशेषता है, स्वर्ग में कभी सूर्यास्त नहीं होता है, रात्रि होती नहीं है, 24 घंटा दिन रहता है स्वर्ग में। स्वर्ग के लोग झोपड़ी मरैया खपरा फूस एस्बेस्टस टीन के चदरा के घर में नहीं रहते, वो 10-20 महल के एयर कंडीशन मकान में रहते। स्वर्ग के लोग भात रोटी जनेरा मरुआ के रोटी अलुआ सुतनी ये सब नहीं खाते हैं, वो पेड़ा रसगुल्ला काजू किशमिश बादाम खाते हैं। स्वर्ग में कहीं सेवरी मीरा अनुसुईया का भजन होता है तो स्वर्ग में कहीं बुद्ध महावीर कबीर का प्रवचन होता है। स्वर्ग में कहीं सुंदर सुंदर फूल के बगीचे मिलेंगे तो कहीं सुंदर सुंदर फल के बगीचे मिलेंगे, ये स्वर्ग की विशेषता है। पादरी जी तो गदगद हो गए। कहा आप चलिए, दोनों जा रहे हैं स्वर्ग और स्वर्ग के निकट पहुंचते हैं तो रात अंधेरी है, चारों तरफ झोपड़ी मरैया टीन के चदरा का घर है, सब लोग अलुआ सुथनी जनेरा मरुआ के रोटी नमक मिर्चाई लेके झक मार रहे हैं, कहीं सेवरी मीरा अनुसुईया का भजन नहीं है, कहीं बुद्ध महावीर सदगुरु कबीर का प्रवचन नहीं है, न कहीं सुंदर फूल के बगीचे हैं, न कहीं सुंदर फल के बगीचे हैं। पादरी कहा जमराज से, कितना आप झूठ बोलते हो। कहा स्वर्ग ले चलेंगे, स्वर्ग की ये विशेषता है, ये तो नरक से भी बदतर है आपका स्वर्ग।
कहा पादरी जमराज से, ठीक है आपका स्वर्ग मैं देख लिया, अब मुझको नरक दिखा दीजिए। जमराज कहा नरक देखोगे क्या? कहा जी चलो। जब नरक की ओर गए, चारों तरफ प्रकाश है, दीन है, और चारों तरफ से वीरी मीरा अनुसुईया का भजन चल रहा है, चारों तरफ बुद्ध महावीर सदगुरु कबीर का प्रवचन चल रहा है, चारों तरफ एयर कंडीशन मकान झलक रहे हैं, सब लोग पेड़ा रसगुल्ला काजू किशमिश खा रहे हैं, सुंदर सुंदर फल के बगीचे, सुंदर सुंदर फूल के बगीचे चारों तरफ लगे हैं। पादरी ने जमराज से पूछा, कितना झूठ बोलते हो आप? जिसको आपने स्वर्ग कहा था वो स्वर्ग नरक से बदतर है, और जिसको आपने नरक कहा वो स्वर्ग से बढ़कर है, ऐसा क्यों? अब जमराज जवाब दे रहा है पादरी को, ऐ पादरी, तुम्हारे जैसे लोग जो केवल भगवान पर विश्वास किया है, रात दिन भगवान का पूजा किया है, लेकिन वो व्यक्ति कर्म बनिया नहीं किया, ऐसे भगवानवादी लोग आकर के इस स्वर्ग को नरक बना के छोड़ दिया। भगवानवादी लोग आकर स्वर्ग को नरक बना दिया, और बुद्ध के जैसे लोग, कबीर के जैसे लोग, लाओत्जे के जैसे लोग, प्लेटो के जैसे लोग, सुकरात के जैसे लोग, रजनीश के जैसे लोग, जो अपने कर्म का भरोसा किया है, भगवान का भरोसा छोड़ दिया, वे सारे लोग आकर इस नरक को स्वर्ग बनाया। राम बोलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। जिस दिन मनुष्य का कर्म केवल ठीक हो जाए तो स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है, स्वर्ग उतर के आपके निकट आएगा। साहब कबीर पूछते हैं किसका भजन किया जाए? ये सारा सारी दुनिया राग द्वेष की अग्नि में जल रही है। आपने सुना था ना संत जरनैल सिंह भिंडरवाला की कहानी, अमृतसर स्वर्ण मंदिर में क्या रखा था? वो बम पिस्तौल का चकीरा रखा था। आज धर्म के नाम पर खून हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, कहां कहां पूजा चल रहा है, किसकी पूजा किया जाए और किसको गाली दिया जाए? बोलिए कोई आदमी, पूजा क्या है? साहब कबीर कहते हैं, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई लीला 24 अवतारन का, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई देवल कोई पीपल पूजा, कोई कहता भक्ति कराने का, कोई कहता कुछ न करना रसना राम रटाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई अमर औलिया पीर पैगंबर गौस कुतुब कहवाने का, कोई मलंग कोई बने कलंदर भेष किया सब खाने का, खुद खुदा के मरम न जाने पाए न नाम निशाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई पीर बने फकीर बने कोई किया मुरीद निशाने का, कोई 30 रोजा नमाज गुजारे लहूत मलकूत मुकामे का, कोई हजब हकीकत हिकमत को कोई कहा शब्द फुरमाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई अर्पण कोई तर्पण पूजा संध्या पाठ कराने का, कोई गोबर शिला माटी पत्थर प्रतिमा धातु बनाने का, कोई धूप दीप ले आरती साजे घंटा शंख बजाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई नेती धोती आंख पखारे उल्टा पवन चढ़ाने का, कोई खट चक्र को भेदे त्रिकुटी में ध्यान लगाने का, कोई अजपा कोई अनहद झिलमिल शब्द वहां नहीं जाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई सात सूरत कोई सात कमल कोई सात शून्य तक जाने का, कोई रणंकार ओंकार निरंजन सोहम शक्ति जमाने का, कोई छर कोई अक्षर कोई अक्षर सुख मन में ध्यान लगाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का,
वाल्मीकि रामायण भाखा राम लखन अवतारे का सूरदास सुख सागर उपजा करता नंद कुमारे का कोई काली कोई दुर्गा पूजा भैंसा भेर कटाने का कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाना। जब दिल बैठा संतोष तख्त पर मिट गया आप अपाने का आप मिट के आप हुआ तो रहा न कुछ कहने का यहाँ वहाँ मैं तय और न दूजा केवल शब्द ठहराने का मजहब की बात कबीर बताने हट गया मत संसार। बंधुओं हिंदी के प्रकांड विद्वान डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा हाथी के पांव में सबके पांव। हाथी रोड पर जा रहा है सड़क पर जा रहा है और उसके पैर का चिन्ह सड़क पर उग गया। उस पैर के चिन्ह पर अगर किसी जानवर का पैर रखा जाए तो क्या हाथी के पैर से बाहर हो जाएगा। उन्होंने कहा कबीर के बानी से आगे कबीर के बानी से बाहर इस जगत में किसी का बानी नहीं। बंधुओं विचार करने की बात है कोई लीला 24 अवतारन का। आज के लोग 24 अवतार के पूजा में लगे जिसमें 10 मुख अवतार है 14 उप अवतार है 10 भगवान है कैबिनेट स्तर के और 14 भगवान है स्टेट स्तर के उसका पावर थोड़ा कम। 10 भगवान जो कैबिनेट स्तर के हैं उसे पहला भगवान है मत्स्य अवतार भगवान मछली रूप में अवतार लिए और शंखासुर राक्षस को वध किया और वेद को प्रकाश किया। दूसरे भगवान कछुआ अवतार है जो कछुआ रूप में अवतार लिया नरकासुर को वध किया और समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्न निकाला। तीसरे भगवान बराह रूप में आए बराह यानी सुगर। तीसरा भगवान जन्म लिए सुगर रूप में बराह रूप में और हिरणाक्ष राक्षस को वध किया और बिष्टा में छिपी हुई धरती को बाहर निकाला। चौथे भगवान आए नरसिंह रूप में जो प्रहलाद को रक्षा किया हिरणकश्यप का कलेजा फाड़ दिया। पांचवे भगवान आए बावन रूप में जो राजा बलि से छल करके 3 डेग जमीन मांगा और 1 लाख में पताल को भेज दिया। छठे भगवान आए परशुराम रूप में जो 21 बार धरती को निछत्रिय किया 21 बार उन्होंने छत्री को मारा है इसलिए कि इनके माँ का नाम था रेणुका और पिता के नाम था जमदग्नि ऋषि और जमदग्नि ऋषि की पत्नी किसी क्षत्रिय राजा से प्रेम कर रही थी ये बात जान गए जमदग्नि ऋषि और अपने बेटा से कहा बेटा तुम्हारी माँ बदचलन हो गई है जंगल से लकड़ी काट के परशुराम जी आए और जमदग्नि ऋषि ने कह दिया 21 तलवार पहले तो क्षत्रिय को 21 बार मार के गिराया परशुराम जी और अंत में 1 तलवार में माँ का गर्दन काट के गिरा दिया। सातवें भगवान राम रूप में आए जो सेत बांध रामेश्वर बांध कर और लंका जाकर पूरे रावण के खानदान को मार के गिराए। आठवें भगवान कृष्ण रूप में आए जो 16 सहस्त्र गोपी और 8 पटरानी के साथ भोग विलास करते हुए आपको ब्रह्मचारी माना गया। नौवें भगवान लिखा है बौद्ध रूप में आए जो रक्तबीज दैत्य को मार के गिराया और जाति पाति का भेदभाव दूर किया। और दसवें भगवान आए नहीं आने वाले हैं लिखा है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक टाउन है उसके बगल में संभल एक गांव है वहां कुमारी ब्राह्मणी के कोख से कलंकी अवतार लेगा जो कलयुग में कालिंजर राक्षस को मार के गिराएगा। ये 10 भगवान है कैबिनेट स्तर पर और 14 भगवान उप अवतार है जिसे पहला अवतार मनु जी का है जो जगत की व्यवस्था करने के लिए हुआ। दूसरे अवतार नारद जी का है जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ। तीसरा अवतार विष्णु संतोषी का है जो विवेक करने के लिए हुआ। चौथा अवतार हंस अनकादिक का है जो सदा 5 वर्ष के बाल्यावस्था में रहने के लिए हुआ। पांचवा अवतार विश्वमोहिनी है जो दैत्यों से अमृत लेने के लिए क्षीर सागर में हुआ। छठा अवतार कपिल जी का है जो देवहूति और कर्दम ऋषि के मेल से हुआ और सांग शास्त्र बनाया। सातवा अवतार वेदव्यास का है जिन्होंने वेद को विभक्त करके 18 पुराण बनाया।
आठवां अवतार दत्तात्रेय का है, जिन्होंने 24 गुरु करके संसार को उपदेश दिया। जब तक हृदय में शांति न मिले निरंतर गुरु की खोज करनी चाहिए। नौवां अवतार राजा पृथु का है, जिन्होंने पृथ्वी को गौ बना के दूहा और औषधि निकाला। दसवां अवतार है ग्रीव का है, जो मधु कैटव दैत्य को मार के गिराया। ग्यारहवां अवतार नारायण जी का है, जो धर्म भारजा से तप करने के लिए हुआ। बारहवां अवतार सनकादि का है, जो विचार करने के लिए हुआ। तेरहवां अवतार धनवंतरी का है, जो रोग नाश करने के लिए हुआ। और चौदहवां अवतार यज्ञमय इंद्र की कन्या से यज्ञ करने के लिए हुआ। इसी 24 अवतार के पीछे ये पूरे दुनिया के लोग पड़ा हुआ। और ये 24 अवतार माया का अवतार है। माया ने अवतार लेके तांडव किया, खेल किया, और उसी खेल करने वाले को आज लोग भगवान मान के और उसी के पूजा उपासना में सब लोग लगे। 24 अवतार में आपने सुना है 24 अवतार में खून हुआ, 24 अवतार में खून हुआ, खून करने वाले की आज पूजा चल रही है। इससे मुक्ति मांगी जा रही है, इससे बेटा बेटी मांगा जा रहा है, इससे नाती पोता मांगा जा रहा है। बंधुओं, एक आदमी था, उसके पास दो पत्नी थी, और दोनों पत्नी में हमेशा झगड़ा झंझट, लड़ाई झगड़ा चलता था। उसका पति तंग आ गया, अपने दोस्त से जाके कहा, दोस्त कुछ रुपया दो हमको, अब हम नहीं रहेंगे घर पर, दोनों बहुत लड़ती है, अब हम कलकत्ता पंजाब चले जाएंगे। दोस्त कहा, कितना दिन रहोगे कलकत्ता पंजाब, फिर तो आना पड़ेगा, यही झगड़ा मिलेगा, ऐसा उपाय करो कि सदा के लिए झगड़ा समाप्त हो जाए। कहा तो क्या करें, गांव के बगल में थोड़ा जमीन खरीदो और उसमें एक घर बनाओ और एक पत्नी को वहां छोड़ दो पुराना घर आदि पर, और एक पत्नी को यहाँ रख दो, दोनों में दूरी बनेगी, भेंट मुलाकात होगा नहीं, झगड़ा बंद। वैसा ही किया, कुछ जमीन खरीदा, मकान बनाया और बड़ी पत्नी को छोड़ दिया पुराना घर आदि पर और छोटकी को लेके रख दिया। लेकिन गांव के औरत सब बाज नहीं आई, इसको भी आके पढ़ाती थी और उसको भी जाके पढ़ाती, या तो यही जाए उसके यहाँ, अन्य तो वही चली आवे इसके। झगड़ा बंद नहीं हुआ, घर हुआ दो जगह, लेकिन झगड़ा बंद नहीं हुआ। उसका पति तंग आ गया, भाग गया पंजाब, और पंजाब गया तो आना नहीं चाह रहा था। जब भी आने का विचार हो, आई झगड़ा याद आता था, प्रोग्राम कैंसिल। 10-12 बरस बीत गया, माघ का महीना उतर रहा था, कौन लड़का साला करता इधर, फागुन का महीना चढ़ रहा था, होली का दिन आ रहा था। इनकी बड़ी की पत्नी चिट्ठी लिख रही है पति के पास, पति देव आपके चरण कमलों में मेरे तरफ से सादर प्रणाम, और आपके चरण की कृपा है तो मैं बिल्कुल सकुशल रहा करती हूँ। न भोजन का दुख है, न वस्त्र का दुख है, न कोई गहना जेवर का दुख है, न कोई श्रृंगार के सामान का दुख है, वो आपके चरण की कृपा है। लेकिन दो बातों की दुख मेरे जीवन में अवश्य है, वो है कि जब मैं दिन में सब काम करने के बाद, स्नान करने के बाद, भोजन करने के लिए बैठती हूँ तो पति देव आपका याद आता है, मैं अभी भोजन कर रही हूँ और मेरे पति कल कारखाना से काम करके भूखे प्यासे आए होंगे, तो मेरे पति को अभी भोजन कौन दिया होगा। और दूसरा दुख, जब भोजन के पश्चात रात्रि में मैं बिछावन पर सोने के लिए जाती हूँ तो आपका याद आता है, मैं अभी सो रही हूँ और मेरे पति कल कारखाना से काम करके थके मादे आए होंगे, तो मेरे पति का भी सेवा कौन किया होगा। ये दो दुख बड़ा सता रहा है पति देव, मेरे बातों से दुख न हो तो आगे फागुन का महीना आ रहा है, होली का दिन, दो चार दिन के लिए आना, दर्शन देना और पुनः फिरा पंजाब चला जाना। चिट्ठी गिरा रही थी लेटर बॉक्स में, गांव के कोई महिला देख लिया और इसके सौतीन को जाके कह दिया।
तुम्हारी सौतीन चिट्ठी लिखी है, ऐसा न हो कि कपड़ा जेवर मिठाई रुपया सब उसी के यहाँ आ जाए। तुम भी लिखो चिट्ठी, कल हो के छोटकी लिख रही है क्या जी, 12 बरस से पंजाब में घूम रहे हो, होटल में मुर्गा भात खाते हो, सिनेमा हॉल में जाते हो, मुंह में पान चबाते हो और रोड पर गुलछर्रा उड़ाते हो, कुछ याद रखते हो 12 बरस से मेरी जिंदगी कैसे कट रही है, याद रख लेना। आगे होली का दिन आ रहा है, उसमें आपको निश्चित रूप से आना है और चिट्ठी में एक सूची मैं भेज रही हूँ, मेरे लिए सारी पेटीकोट ब्लाउज नथिया बाली लॉकेट पायल ऐना कंघी। लेके आना और यह भी सोच लेना चिट्ठी का सच्ची प्रतिलिपि मेरे पास रहेगा, एक भी सामान कमी आया, एक भी सामान डुप्लीकेट आया तो एक भी झाड़ू धरती पर नहीं गिरेगा। चिट्ठी गिरा दिया, चिट्ठी गया पंजाब, ये बेचारा पढ़ा और गया दुकानदार को चिट्ठी दिखा दिया, जरा देख लीजिए ठीक से, सामान दीजिए ठीक से, अन्यथा ऐसा न हो कि सारा झाड़ू हमारे पीठ पर पड़े। दुकानदार सही सही सामान दे दिया, पॉलीथीन में लेके आया डेरा पर और अटैची में सजाया, 2 अटैची सामान हुआ, टिकट कटाया, गाड़ी में बैठ गया, आया स्टेशन से 2-4 किलोमीटर के दूरी पर इसका घर था। 12 बजे दिन, उस समय कोई रिक्शा टमटम स्टेशन पर नहीं था, सोचा इतना दूर तो हम पांव पैदल भी जा सकते हैं, दोनों हाथ में अटैची उठा लिया, वहां से चला। रास्ते में पसीना भर गया उसको, जब घर के निकट आ रहा था कोई महिला उसे देख लिया और इसके बड़की पत्नी को जाके कह दिया, देखो जी तुम्हारे पति चले आ रहे हैं पंजाब से। बड़की तो समर्पित है पति के साथ, दौड़ती है जाती है, पति देव को पैर छू के प्रणाम करती है, दोनों हाथ से अटैची लेती है, आगे आगे पति देव पीछे पीछे चल रही है। गई अपने दरवाजे पर, घर नहीं गई, ईमानदार कितनी है, अटैची रख दिया दरवाजे पर, सबसे पहले पति के लिए बिछावन किया, पति देव बैठ गए, थाली में जल लाई, पति देव का चरण पखारी और पंखा लेके बैठ गई, कुछ हाल चाल पूछ रही है। इतने में गांव की कोई महिला इसके सौतीन को जाके कह दिया, आ गया और दोनों अटैची उसके दरवाजे पर है, जल्दी जाओ ना तो दोनों अटैची कहीं गायब न हो जाए। वो आती है बड़ी तेजी में और दूर से पूछती है, क्या जी आ गए, तो डरे कहा जी हाँ आ गए, जरा चिट्ठी निकालिए और सूची निकालिए, मैं भी सूची लेके आ रही हूँ, पहले सामान मिलाइए। सूची लेके आई और एक एक सामान को मिलाई, सब सामान सही था, फिर अटैची में रख लिया और छोटकी दोनों अटैची उठा के चल दिया। जब छोटकी दोनों अटैची उठा के चल दिया तो बड़की खाली हाथ अपने आंगन की ओर दरवाजे से चल दिया, तो पति देव बड़की के पीछे पीछे चल चल। गांव के महिला सब खड़ी थी, वो कहती है, क्या जी यही तेरा इंसाफ है, यही न्याय है, जब जानते हो 2 पत्नी तुम्हारे पास है और 12 बरस पर आए हो और होली का पर्व है और 2 अटैची लाया तो वाजिब था दोनों को एक एक अटैची दे देना, लेकिन तुमने छोटकी को दोनों अटैची दिया, अब बड़की के पीछे खाली हाथ जा रहे हो, यही वाजिब है। पति ने जवाब दिया, सुन लो, ये जो मेरी छोटकी पत्नी है इसको हमारे समान से प्रेम है तो समान लेके ही जा रही है, और ये जो मेरी बड़की पत्नी है इसको हमारे जान से प्रेम है इसलिए जान इसके साथ जा रहा है। पति बड़ा है कि समान बड़ा है, पति किसको मिला है, बड़की को। आप लोग जीवन भर बेटा बेटी नाती पोता दामाद गाय भैंस मकान दुकान की भक्ति करते, जिंदगी भर समान की भक्ति हो रही है,
एक भी कौड़ी काम का वो नहीं रहेगा। पति किसको मिला है? पति किसको मिला? बड़की को, जिसको कुछ नहीं चाहिए, केवल पति चाहिए। भक्ति वैसा कीजिए, भक्ति दान गुरु दीजिए, देवन के देव। क्या बेटी मांग रहे? अभी प्रवचन में करमचंद जी से सुन रहे थे आप, कुछ आपका साथी नहीं है। आचार्य श्री का देहांत हुआ तो आचार्य श्री का गाया हुआ भजन, लो अपना जहां दुनिया बालो हम इस दुनिया को छोड़ चले, जो नाते रिश्ते जोड़े थे वो नाते रिश्ते तोड़ चले, लो अपना जहां दुनिया वालों हम। ये सारे रिश्तेदार ये देह के हैं, आप देह नहीं है, आप देह में रहने वाले हैं, आपका रिश्तेदार यहां कोई नहीं है, ना आप किसी के हैं ना आपका कोई है। अंतिम पद, वह राह अकेले कटती है वहां नहीं कोई साथ चले। यहां तो बहुत लोग साथ में, माता बहन लोगों के साथ भी बहु सखी सहेली बैठी है, इधर भी साथी संगी बैठे हैं, लेकिन जिस दिन आप इस काया से निकलेंगे उस दिन आपकी यात्रा अकेली होगी, आपका साथी कोई नहीं होगा। वह राह अकेले कटती है वहां नहीं कोई साथ चले, उस पार न जाने क्या पाए इस पार का सब कुछ हार चले। जहां है वो सब हार जाना है, अंत में पत्नी हार जाएंगे आप, बेटा बेटी हार जाएंगे, नाती पोता हारेंगे, जमीन मकान दुकान नौकरी सब हार जाना है, और आगे क्या मिलेगा आपको इसकी कोई गारंटी नहीं है। है कोई गारंटी? आपने वैसा कुछ किया कि गारंटी हो जाए? अभी तो आप नाक कान में इतना श्रृंगार करते हैं, और कहीं कुत्ता का शरीर मिला तब को नथिया बाली चलेगा वहां, तब को स्नो पाउडर और लिपस्टिक लगेगा वहां। उस दिन को याद कर लीजिए, उस पार में क्या पाना है? इस पार का तो हार जाना है, अब उस पार में क्या पाना है जिसकी गारंटी नहीं है? इस पर थोड़ा विचार करें। थोड़ी सी चर्चा मैंने किया सदगुरु कबीर के एक शब्द पर, एक पंक्ति पर, भजू तो को है भजन को और तजू तो को है आन। न हमको भजना है किसी को और न तजना है किसी को। भजना क्या है? अरे बंदे कर ले आप निवेरा, हमको अपना निवेरा करना है। इन्हीं शब्दों के साथ देता हूं वाणी में विराम। बोलिए सदगुरु देव की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। अभी हम लोग श्रद्धेय संत श्री रमा शंकर साहेब जी के बहुत ही सुंदर विचारों से लाभ ले रहे थे। कल दो सत्र है, सुबह और शाम, दोनों सत्र में भी संतों के विचारों से हम लोग लाभ लेंगे। आप लोग तैयार रहिएगा। अब हमारे बीच परम पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन हैं, इनके भी विचारों से हमें लाभ लेना है। इनके विचार हम सुने, उसके पूर्व हम एक भजन सुनते हैं। बहुत देर से हम लोग बैठे हैं, विचार सुन रहे हैं, लेकिन बीच में एक भजन हम सुनवाते हैं, और भजन रखने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं संत श्री उमेंद्र साहेब जी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने मधुर कंठ से एक भजन रखें। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी मुद मंगलमय संत समाज, भक्त प्रेमी सज्जनों एवं माताओं, साहेब जी की आज्ञा हुई है, आज्ञा पालना, आप सबके बीच एक भजन प्रस्तुत है।
पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हांसी, मोहे सुन सुन आवत हांसी, पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, पानी पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हांसी, पानी में मीन प्यासी, जाको ध्यान धर विधि हरि हर, जाको ध्यान धर विधि हरि हर, मुनि जन सहस अठासी, मुनि जन सहस अठासी, सो तेरे घट माहि विराजे, सो तेरे घट माहि विराजे, परम पुरुष अविनाशी, पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी, जल बीच कमल कमल बीच कलियां, जल बीच कमल कमल बीच कलियां, तापर भवर निवासी, तापर भवर निवासी, सोमन बसे त्रय लोक भयो है, सोमन बसे त्रय लोक भयो है, यति सती सन्यासी, पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी, है हाजिर तेरी दूर बतावे, है हाजिर तेरी दूर बतावे, दूर की बात निरासी, दूर की बात निरासी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी, पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवत हांसी, पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी,
बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, सदगुरु कबीर की एक बहुत प्रसिद्ध शाखा है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बंधा जंजीर, दुनिया में जन्म लेकर जो भी आया है, राजा हो रंग हो फकीर हो साधु महात्मा हो, एक दिन सबको जाना होगा। किन जाने जाने में अंतर होगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिंहासन पर बैठकर निश्चिंत और प्रसन्न होकर यहां से जाते हैं, और ज्यादातर तो ऐसे लोग होते हैं जो जंजीरों से बंध कर रोते हुए यहां से विदा होते हैं। जाना सबको है, कब किसको जाना होगा, कहां पर जाना होगा, किसे किसे जाना होगा, कहां नहीं जा सकता। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो गारंटी पूर्वक कह सके कि आदमी इतने दिन तक जिएगा और इसकी मौत यहां पर होगी। सर्वथा अनिश्चित, लेकिन ये निश्चित है कि एक दिन सबकी मौत अवश्य होगी, सबको यहां से जाना है। हम और आप अपना अपना जीवन जी रहे हैं, और सुबह मैंने कहा था कि हर आदमी यह मानता है और सोचता है कि मैं अपने जीवन को बहुत बढ़िया ढंग से जी रहा हूं। कसौटी क्या है? कल्पना करो कि अभी मौत सामने आकर खड़ी हो जाए तो मन की हालत क्या होगी। मौत का नाम सुनते ही आदमी घबराता है। हम देखते हैं हमारे सामने ही अनेक लोग, धनी गरीब, राजा रंग पढ़ अपर, साधु गृहस्थ स्त्री पुरुष, दुनिया से उठ उठ कर चले गए। अनेक लोगों की शव यात्रा में जाने का अवसर मिला है हम आप लोगों को। अनेक लोगों की कब्र में मिट्टी डालने का भी अवसर मिला होगा। अनेक लोगों की चिता को जलते हुए देखा होगा। कभी सोचते हो कि एक दिन मेरी भी दशा यही होगी, मेरा अंतिम पड़ाव, मेरा अंतिम ठिकाना ये शमशान होगा। समझते हैं कभी बात? किसी की मौत का समाचार रुलाने के लिए नहीं आता है, जगाने के लिए आता है।
लेकिन मैंने कहा अनेक लोगों की यात्रा में शामिल हुए, अनेक लोगों की चिताओं को जलते हुए देखा, अनेक लोगों के अर्थ को कंधा भी दिया है, कितना जाग पाए हैं, लोभ मोह स्वार्थ अहंकार कितना टूटा है, ये अविद्या कंधकार कितना दूर हो पाया, वही लोभ मोह, वही छल छल, वही धोखाधड़ी, वही स्वार्थ, वही अहंकार, वही कुटिलता, वही कपट, यही सब जंजीर है, ये सब जंजीर बनाएंगे हमारे और आपके लिए। तुम देखते तो हैं, लेकिन आदमी मौत की याद नहीं करता। हर आदमी सबसे ज्यादा डरता है मौत से। शरीर बूढ़ा हो गया, जर्जर हो गया, बीमार होकर खाट पर पड़ा है, खाना पीना मल मल टटने सब कुछ बिस्तर पर ही हो रहा है। कहने को तो कहता है कि हे भगवान कब तक रखोगे, अब बुला लो, लेकिन मौत आती है तब मौत का नाम सुना वो आदमी भी घबराता है। मरना कोई नहीं चाहता, सोता थोड़ा और जी लो, थोड़ा और देख लो, थोड़ा और एक कर लो, ये थोड़े थोड़े की आशा टूटती नहीं है। कहा जाता है एक कहानी कहो चुटकुला कहो, लेकिन कितना आदमी मौत से भयभीत है ये समझाने के लिए एक कहानी कही जाती है। एक बूढ़ी माँ थी, 90 साल से अधिक उम्र हो चुकी थी, 100 के निकट पहुंचने वाली थी, शरीर जर्जर हो चुका था, बिस्तर पर पड़ी रहती थी, उठना बैठना मुश्किल, कोई घर वाला आकर उठा दे तो उठ बैठ जाए, खिला दे तो खा ले। कहा करती थी कि हे मौत महारानी, तू कब आएगी, कब मुझे इस नरक से छुटकारा देगी। अनेक लोगों के सामने तुम ले गए, मुझे कब ले जाओगे, तू आ मुझे ले चल, ऐसा अक्सर कहा करते थे। वो बूढ़ी माँ रात में दिन सो रही थी, आधी रात का समय हुआ, मौत आ गई, काला कलंका शरीर, काला कलंका चेहरा, बड़े बड़े बाल, डरावनी आंखें। बूढ़ी माँ के खाट के पैताने पर बैठी और उसका पैर पकड़ी, तो जब पैर पकड़ी तो बूढ़ी माँ जाती है, देखती है एक भयंकर चेहरे वाला वाली स्त्री बैठी हुई, पूछती है बहन तुम कौन हो, कैसे आई हो, इस आधी रात में क्या काम पड़ गया मुझसे। मौत कहती है तुम जिसको रोज पुकारते हो, प्रार्थना करते हो, मौत महारानी कब आएगी, मौत महारानी कब आ गई, आज आ गई है तुझे ले जाने के लिए, चलो मेरे साथ। मौत की बात सुनकर वो तो एकदम डर गई, घबरा गई, रोने लगी और कहने लगी बहन तुम देख ही रही हो, मैं एकदम जर्जर हो गई, बूढ़ी हो गई, बीमार हो गई, मेरे शरीर में कोई ताकत ही नहीं रह गया है, मुझे ले जाकर क्या करोगी, अरे घर में जवान जवान बहु बेटे हैं उनको ले जाओ, वो लोग काम आएंगे, मैं क्या करूंगी। ये कहानी, आदमी मौत से डरता है, कितना डरो कितना डरो, मौत से डर करके, मौत से बच करके आज कौन कहां जा सका है। मौत से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मौत तो आएगी, कोई उपाय नहीं बचा सकता, कोई उपाय नहीं है मौत से बचने के लिए। उपाय होता
तो बड़े बड़े महाराजा, राजा महाराजा, बादशाह, चक्रवर्ती, सम्राट, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े साधु महात्मा आज जीवित रहते। सबके शरीर की मौत होगी, किंतु शरीर में रहने वाले जो जीवात्मा है उसकी मौत नहीं होगी। तो शरीर की मौत तो होगी, डरना क्यों है? जो होना ही है, जिसे हम रोक नहीं सकते, उसे डरो डरो क्यों? डरो मत। और फिर एक बार मर जाओगे तो पता चलेगा कि मैं मर गया हूं। मुझे तो पता नहीं चलेगा ना कि मैं मर गया हूं। घर वाले चाहे रोए चाहे गाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? सारे दुख दर्दों से छुटकारा हो जाएगा। मैं कह रहा था, कल्पना करो कि मौत सामने आ जाए और कहे कि तुम्हारा समय पूरा हुआ, चलो मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूं। मौत को सामने खड़ी देखकर और मौत की बात सुनकर यदि हम और आप ये कहते हैं, अच्छा तू आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, चलो मैं तैयार हूं। मौत को सामने देख करके कोई दुख मन में ना हो, कोई पीड़ा मन में ना हो, तो समझ लेना जीवन को आप अच्छे ढंग से जी रहे हो। जीवन पाकर जो काम करना चाहिए था वो काम आप कर रहे हैं। और मौत को सामने खड़ी देख करके भयभीत हो गए, रोने लग गए, अभी तो मुझे ये करना है, मुझे करना है, पश्चाताप करने लग गए। समझना जीवन को बहुत गलत तरीके से जी रहे हो, कोई तैयारी नहीं है। थोड़ी यात्रा में जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो एक दिन दो दिन यात्रा में कितनी तैयारी करते हो, कितना बक्सा लेकर जाते हो, कितने कपड़े लेकर जाते हो। लंबी यात्रा में जाना होगा, उस यात्रा में जाना होगा जहां से लौट कर कभी आना नहीं होगा, उसके लिए क्या तैयारी है? उसके लिए यहाँ के रुपये पैसे काम नहीं आएंगे, यहाँ की धन दौलत काम नहीं आएगी, यहाँ की पद प्रतिष्ठा, कुल परिवार के लोग ये सब काम नहीं आएंगे, वहां काम आएंगे। धर्म भक्ति सेवा के जो संस्कार है, जीवन की जो निर्मलता है, पुण्य कर्मों की जो कमाई है, ये सब वहां काम आएंगे। और उसके लिए हमारी तैयारी नहीं होती। साहब क्या कहते हैं, आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, राजा हो रंग हो फकीर हो, सबको सबको जाना है, किसी का शरीर अमर हो नहीं सकता है। शरीर जन्मा है तो मरेगा अवश्य। धर्म के क्षेत्र में लोग कहते हैं, जब भावना अधिक हो जाती है तो भावना अधिक हो जाने पर लोग तत्व को भूल जाते हैं। धर्म क्षेत्र में लोग कहते हैं, हमारे गुरु अमर है, हमारे देवता अमर है, हमारे भगवान अमर है, हमारे अमुक ऋषि मुनि अमर है, किसी का शरीर अमर नहीं। शरीर अमर हो ही नहीं सकता, मिट्टी पानी आघवा से बना हुआ शरीर एक दिन मिट्टी पानी आघवा में जाकर मिट ही जाएगा। और शरीर से जीव निकला तो इसी शरीर में आने का कोई उपाय नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति के जो नियम होते हैं वे नियम सबके लिए बराबर होते हैं, उन नियमों में परिवर्तन नहीं होता। हम और आप जो नियम बनाते हैं, मनुष्य जो नियम बनाता है, देश काल के अनुसार उन नियमों में परिवर्तन होता रहता है, आदमी परिवर्तन करता रहता है। लेकिन प्रकृति का नियम,
सबके लिए बराबर। प्रकृति बेजान है, प्रकृति में जानने समझने का गुण नहीं है, वो ज्ञान गुण से रहित है। हम और आप ज्ञान गुण वाले, हमारे शरीर में जान है और हमें और आप में हर आदमी में कम ज्यादा ज्ञान है। कोई गलती किया, आप चाहें तो उस गलती के लिए उसे क्षमा कर सकते हो, और आप चाहें तो उस गलती के लिए उसे दंड भी दे सकते हो। आदमी के मन में किसी के लिए राग होता है, किसी के लिए द्वेष होता है, किसी के लिए मोह होता है, किसी के लिए बैर होता है, किसी को आदमी अपना मानता है, किसी को पराया मानता है। जिसे अपना मानता है, जिसके लिए मन में प्रेम है, मोह है, वहाँ आदमी पक्षपात कर देता है, उसकी बड़ी से बड़ी गलती को क्षमा कर देता है, नजरअंदाज कर देता है। लेकिन जिसके लिए मन में बैर होता है, द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, जिसे आदमी अपना नहीं मानता, उसके लिए छोटी छोटी गलतियों के लिए आदमी न्याय करता है, सजा देता है, दंड देता है, क्योंकि आदमी जानदार है, और जानदार होने से आदमी मन में राग द्वेष मोह बैर की भावना है। प्रकृति में न राग है, न द्वेष है, न मोह है, न बैर है, प्रकृति के लिए अपना पराया कुछ नहीं है, वो बेजान है। मैंने कहा कि किसी ने गलती की, अब चाहो तो सजा दे सकते हो और चाहो तो क्षमा कर सकते हो। लेकिन एक साधु, एक गृहस्थ, एक छोटा सा बालक, एक जवान, एक बूढ़ा, चाहे जान करके हो, चाहे अनजान में हो, आग में हाथ डालो, आग जरूर जलाएगी। आग ने सोचे कि ये बच्चा ही हाथ में जलाऊंगी, ये बूढ़ा ही कहाँ जलाऊंगी, इन्होंने जान बुझकर हाथ डाला है, इसलिए कहाँ तो जलाऊंगी मैं, किंतु ये आदमी अनजान में हाथ छुआ है मुझे, इसलिए जलाऊंगी, क्योंकि आग बेजान है, उसमें जानने समझने का गुण नहीं है, जो नियम है जलाना। आग में चाहे जो डाल दो, आग जलाएगी, जलाना उसका काम है, नियम है। आग की आप कितनी बात, आग की आप पूजा करो, अग्नि को देवता माना गया है भारतीय संस्कृति में, अब भारतीय संस्कृति में ही नहीं, अन्य संस्कृतियों में भी आग को देवता माना गया है। सूर्य आग का गोला प्रतिबिंब, इसलिए हिंदू लोग प्रायः सुबह जब स्नान करते, सुबह दोपहर जब भी हो तो नहाकर एक लोटा पानी सूरज तरफ मुंह करके डाल देते हैं, तो आग को देवता माना गया है। और आग की पूजा पूरा काश होते रहे, आग भी जब लोग यज्ञ करते तो हवन कुंड में आग ही तो जलाते हैं, उसी में हवन करते हैं, तो आग, और ये बात आज से नहीं है, बहुत पुराने समय से दुनिया की सबसे प्राचीन किताब मानी जाती है ऋग्वेद। चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे बड़ा है और सबसे पुराना है। उसका पहला मंत्र अग्नि से शुरू होता है, अग्निमीले पुरोहितम देमृतम होतानम रत्नधातमन, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देमृतम होतानम रत्नधातमन, ये ऋग्वेद का पहला मंत्र है और गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में 10,000 मंत्र हैं लगभग, उनमें से लगभग 2,000 मंत्र गायत्री मंत्र है। ये पहला मंत्र भी ऋग्वेद का गायत्री मंत्र है और अग्नि से शुरू होता है, तो अग्नि की पूजा होती रही है। लेकिन आप अग्नि कितनी पूजा करो, रोज नहा करके आओ और रोज आग जला करके हवन करो, रोज आग की पूजा करो, अपना एक दिन नहा करके आए, अग्नि जलाए, हवन करना शुरू किया और जोर की आंधी आई,
आग जिन गाड़ी उड़ी तो आग ये नहीं सोचेगी कि व्यक्ति कई सास मेरी पूजा करता आ रहा है इसके घर को नहीं जलाऊं, वो तो आग लगी तो जलाएगी, चाहे आप गाली दो तो जलाएगी, नहीं गाली दो तो जलाएगी, उसका नियम ही जलाना, ऐसे प्रकृति का नियम है दुनिया से जाना। आप नहाते हो गंगा नहाते हो, बगल में गंगा है, गंगा नहा गोदावरी नहा नर्मदा नहा कोई नदी नहा, अच्छी बात है नहाना चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन आप रोज गंगा नहाने जाओ और नहा करके हाथ जोड़ करके गंगा मैया की पूजा करो, प्रसाद चढ़ाओ और ऐसा करते करते वर्षों बीत जाए, एक दिन आप गंगा नहाने गए समझ नहीं पाए, पैर फिसला, तेज धारा में गहरा गहरे पानी में चले गए, तो गंगा ये नहीं सोचेगी ये व्यक्ति मुझे हजार कई साल से मुझ में नहा रहा, मेरी पूजा करने से बहाऊंगी नहीं, अब तैरना नहीं आता तो बहा कर ले जाएगा, नियम ही उसका बहाना, उसके नियम को समझो, आग के नियम को, पानी के नियम को, हवा के नियम को, मिट्टी आदि के नियम को, अपने मन के नियम को समझो और समझ करके नियम पूर्वक काम करो, ये उसकी पूजा है, ये उसकी भक्ति है। अब फिर उसके बाद आप पूजा करते हो तो आपकी भावना है, समझना होगा हमको नियम, और जहां नियम होता है वहां चमत्कार नहीं होता। खैर वो बात दूसरी। तो आग का जो आग के जो नियम तो समझ कर आग से काम लो। कई लोग आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जादू दिखाने वाले, वैसे काम काम करने वाले, हथेली में कपूर रखते हैं, जलाते हैं और कपूर को ऐसे पलटते रहते हैं, उनका हाथ नहीं जलता, और पलटते पलटते जलते हुए कपूर को मुख में ले जाते हैं, जीभ नहीं जलती, मुख नहीं जलता, कहते चमत्कारी बाबा है, चमत्कार कुछ नहीं है, नियम सफाई, सफाई क्या है, कपूर रखो हाथ में और कपूर को जलाओ, तीन सेकंड से पहले पलट दो तो आपका हाथ नहीं जलेगा, चाहे पांच मिनट ऐसे पलटते रहो, हमारे ये जो त्वचा है तीन सेकंड तक 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान को सहन करती है, 100 डिग्री तीन सेकंड से पहले पलटो, पांच मिनट तक करते रहो आपका हाथ नहीं जलेगा, लेकिन चौथा सेकंड होगा तुरंत फूला पड़ेगा, याद रखना, इसलिए बिना अभ्यास के मत करना, ये नियम उसका दहकता अंगारा है, एकदम दहकती आग, दहकता अंगारा, आदमी चलता हुआ चला जाता है यहाँ से वहां तक, पैर नहीं चलते, कहते हम पर देवी की कृपा है, भगवान की कृपा है, हमारी सिद्धि है, न देवी की कृपा न भगवान की सिद्धि न भगवान की कृपा, कुछ नहीं है, अभ्यास नियम, मैंने कहा तीन सेकंड से पहले उठाकर चलते चले जाओ वहां से वहां तक, आपको पैर नहीं जलेंगे, चौथा सेकंड होगा तो जल जाएगा, उतने ये तो नियम है उसका, इसमें न किसी कृपा है न सिद्धि है न चमत्कार है न त्याग है न तपस्या, सिर्फ अभ्यास। कपूर जलता है, जलते हुए कपूर को लोग फांक जाते हैं, जीभ नहीं जलती, मुख नहीं जलता, क्यों? अभ्यास। कपूर को मुख में रखने के पहले लोग करते क्या है, अभ्यास द्वारा जीभ में थोड़ा थूक ले आते हैं और कपूर फांका, फांकते मुख बंद कर लिया, मुख फांका मुख बंद कर लिया, होता क्या है, आग तभी तक जलती है जब तक उसको ऑक्सीजन मिलता है, जैसे कपूर को जलते कपूर मुख में डाला, मुख बंद कर लिया, ऑक्सीजन मिलना बंद, आग बुझ गई, जलेगी कहां आपकी जीभ, ये नियम है, इस नियम को समझ लोगे तो कभी चमत्कार के धोखे में पड़ोगे नहीं, भागोगे नहीं चमत्कार के पीछे, अपने कर्मों पर विश्वास रखो, अपनी भक्ति पर विश्वास रखो, अपने अच्छे संस्कार पर भी विश्वास रखो, अपने अच्छे आचरण पर विश्वास रखो,
फिर जितनी भक्ति करना चाहो, पूजा करना चाहो, करो। मैं कह रहा था साहब की साक्षी, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। राजा हो रंग हो फकीर हो, सबको सबको जाना, सबको जाना है। अहंकार मत करो कि हमारा शरीर बहुत बलवान है, हमारे शरीर में बड़ी ताकत है, हम तभी जवान हैं। कब कहां पर मौत आएगी कहा नहीं जा सकता, इसलिए बड़ी सावधानी का, बड़ी सावधानी के साथ जीवन जीना है। ऐसा काम करो कि कोई भी गलती ना होने पाए। और ऐसी बातें सोचो मन में कि कोई भी गलत विचार, गलत बात मन में ना आने पाए। आप लोगों में से अनेक लोग गीता पढ़े होंगे, अन्य ग्रंथ भी पढ़े होंगे। गीता में कहा गया है कि अंतिम समय में जो विचार आदमी सोचता है मौत के समय में, अंतिम समय में आदमी के मन में जो भावना रहती है, जो विचार रहता है, उसी के अनुसार से अगला शरीर की प्राप्ति होती है। और यदि ये बात सच है तो कल्पना करो, क्रोध आया और शरीर छूट गया अटैक आकर, तो अगला जन्म बिगड़ ही जाएगा। किसी के लिए गंदे विचार मन में आ गए, ईर्ष्या आ गई, घृणा आ गई, बैर आ गया। किसी युवक को देखे, किसी युवती को देखे, मन में वासना आ गई, शरीर छूट गया तो क्या होगा? सारी भक्ति चौपट हो जाएगी, कोई पूजा काम ना आएगी, कोई कुछ नहीं काम नहीं आएगा। इसलिए सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी भक्ति हर समय मन में सुंदर विचार सोचते रहना। कुछ भी करो, घर में भोजन बना रही है माताएं देविया, भोजन बना रही हो, झाड़ू लगा रही हो, बर्तन मांज रही हो, कपड़े धो रही हो, कुछ भी काम कर रही हो घर में। आप किसान हैं, खेत में काम कर रहे हैं, दुकान में बैठे हैं, सौदा दे रहे हैं, बेच रहे हैं, कारखाना में काम कर रहे हैं, रास्ता चल रहे हैं, बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, हर समय अच्छी विचार, पवित्र विचार, दया के, क्षमा के, प्रेम के, ज्ञान के, भक्ति के, आत्मा के, परमात्मा के विचार मन में रखो, ताकि कभी भी शरीर छूटे तो अगला जन्म बिगड़ने ना पाए। ये सबसे बड़ी भक्ति। आप ये नहीं कर सकते हो कि महाराज साहेब आप कहते रहो अच्छे विचार से टोल के, हमारे पास फुर्सत नहीं, कब अच्छे विचार से टोल, हर समय फुर्सत। मैंने कहा ना, टॉयलेट में बैठे बैठे अच्छे विचार सोचो ना, विचार गंदे नहीं होंगे। टॉयलेट में बैठे बैठे भक्ति हो जाएगी भगवान की, घबराना मत, भक्ति आपकी आपकी अशुद्ध नहीं होगी, शरीर भले अशुद्ध होगा, पूजा शुद्ध नहीं होगी, विचार अशुद्ध नहीं होंगे। हर जगह हर समय अच्छे विचार सोचो, इससे बड़ी भक्ति, इससे बड़ी साधना और कुछ नहीं होगी। जब अच्छे विचार रहेंगे तो अच्छी बातें मन से निकलेगी, अच्छे कर्म होंगे, अच्छा व्यवहार होगा, अच्छा आचरण होगा, पूरा जीवन पवित्र हो जाएगा। हम और आप मनुष्य हैं और हमारे पास मन है, मन का काम है सोचना। आप सोचो, एक बात याद रखो, मैंने सुबह कहा था गोस्वामी जी की पंक्ति, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष शरीर पाए। इसलिए नहीं कि आप धनवान इसलिए भाग्यवान नहीं है, विद्वान इसलिए आप भाग्यवान नहीं है, बड़े बड़े अफसर इसलिए भाग्यवान नहीं, बड़े नेता इसलिए भाग्यवान नहीं, साधु इसलिए भाग्यवान नहीं, भक्ति इसलिए भाग्यवान नहीं है। भाग्यवान आप इसलिए हैं कि आपका मन सुंदर विचार में डूबा हुआ है, आपके मन की भावना पवित्र है, तो आप भाग्यवान हैं। धनवान हैं, बलवान हैं, विद्वान हैं, बड़े अफसर हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, गुरु हैं, पुजारी हैं, भगत हैं,
आपके विचार गलत है, गंदे हैं, तो आप महा अभागा हो। जीवन बिगाड़ने का काम कर, भाग्य से जीवन तो मिला लेकिन जीवन को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। दुनिया में सबसे अभागा और सबसे दरिद्र कौन है? जो आदमी अच्छी बातें नहीं बोल सकता और अच्छी बातें नहीं सोच सकता, वो दुनिया का सबसे अभागा और दरिद्र आदमी है। आपके पास मकान नहीं तो आप दरिद्र नहीं, बाहर के दरिद्र भले हैं लेकिन आपके विचार गलत है और आपकी बात गलत है तो आप दरिद्र हैं। और दुनिया में इतना दरिद्र एक भी आदमी नहीं है जो अच्छी बात न बोल पाता। अच्छी बात बोलने में क्या खर्च लगेगा? मीठी बात बोलने में, प्रेम की बात बोलने में, क्षमा की बात बोलने में कितना पैसा खर्च हो जाएगा आपका? चाहे कटु बोलो चाहे मीठी बात बोलो, ताकत उतनी लगेगी, समय उतना ही लगेगा। तो दुनिया में इतना दरिद्र एक भी आदमी नहीं है जो मीठी बात ना बोल सके, प्रेम की बात ना बोल सके। और दुनिया में इतना धनवान भी एक आदमी नहीं है दो क्या भैया अब मीठी बात मत बोलो, मैं छक गया, मुझे मीठी बात की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कह सकता कोई भी, मुझे मीठी बात की आवश्यकता नहीं, मुझे प्रेम की आवश्यकता नहीं है, मुझे अच्छे व्यवहार की आवश्यकता नहीं है, ये तो इसके मेरे पास कोठी कोठी भरे हुए हैं। ऐसा कहने वाला धनवान कोई नहीं मिलेगा। धनी से धनी को और गरीब से गरीब को भी हर आदमी के मन में मीठी वाणी की भूख है, प्रेम की भूख है, सुंदर व्यवहार की भूख है, सम्मान की भूख है। अब वो देना शुरू करो आपको मिलता चला जाएगा। तो दुनिया में ऐसा गरीब भी कोई नहीं है, ऐसा दरिद्र भी कोई नहीं है जो अच्छी बात ना सोच सके। कितना पैसा लगेगा अच्छी बात सोचने में, अच्छी बात प्रेम की बात बोलने में, मीठी बात बोलने में और अच्छी बात सोचने में एक भी पैसा नहीं लगेगा। आप ये भी नहीं कर सकते हो साहब हम तो अनपढ़ आदमी हैं, प्रेम की बात मीठी बात कैसे बोले, हम अनपढ़ आदमी हैं, अच्छी बातें कैसे सोच सकते हैं। जब अनपढ़ होकर के गाली दे सकते हो, ईर्ष्या कर सकते हो, निंदा कर सकते हो, तो अनपढ़ होकर प्रेम की बात क्यों नहीं बोल सकते हो? गाली दे के जो अनपढ़ होकर के क्रोध कर सकते हो तो अनपढ़ होकर क्षमा क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए पढ़ा लिखा की क्या जरूरत है? सबसे बड़ी भक्ति, सबसे बड़ी पूजा, जिस पूजा से, जिस भक्ति से आपको भगवान खुश होगा, वह है सबके साथ मीठी वाली प्रेम की वाणी बोलना और अच्छी विचार सोचना। और यदि यदि आपकी जबान मीठी नहीं है, प्रेम की भाषा आप नहीं बोल सकते हो, किसी को कुछ दे पाया ना दे पाया, प्रेम और आदर सम्मान नहीं दे सकते हो और अच्छे विचार मन में नहीं रख सकते हो, तो जिंदगी भर मंदिर जाते रहो कोई भगवान खुश होने वाला नहीं है आपसे। आप मानते क्या हो आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हो कुछ भी मानने के लिए, लेकिन मूल प्रश्न यह होगा कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई यहूदी है, कौन कर्मपंथी, कौन वैष्णव, कौन वेदांती, कौन आर्यसमाजी, कौन निराकारी और कौन क्या, सबको मीठी वाणी, मीठी बात, अच्छे विचार क्या हो सकता है? और यदि जवान में मीठी बात, व्यवहार में प्रेम है, मन में सुंदर विचार है, तो आप अपने लिए सिंहासन बना रहे हैं। ये सिंहासन है, इनके संस्कार सिंहासन बनेंगे। जवान में कड़वाहट है, व्यवहार में स्वार्थ है और मन में ईर्ष्या द्वेष है, तो आप अपने लिए जंजीर बनाने का काम कर रहे हैं। कोई बाहर जंजीर नहीं आई,
जाना तो है सब, हम और आप जो कर्म कर रहे हैं हमारे इन्हीं कर्मों से, हमारे व्यवहार से, हमारे बोल चाल से, हमारे चिंतन से हमारे लिए तो सिंहासन बनेगा या जंजीर बनेगी। हर आदमी या तो सिंहासन बनाने का काम कर रहा है या जंजीर बनाने का काम कर रहा है, करना तो पड़ेगा। बिना काम के कोई रह नहीं सकता। हमारे मानव जीवन कर्म भूमिका है, भोग भूमिका भी है, कर्म भूमिका है। मनुष्य के अलावा जो पशु पक्षी कृमि कीट की खानी है वो केवल भोग भूमिका मानी गई है, वहाँ नए कर्म नहीं बन सकते। किंतु पूर्व जन्मों में जो कर्म किए गए हैं अच्छे बुरे, उनके फल ही वहाँ भोगना है। इसलिए मान पशु पक्षी कृमि कीट की जो खानी है वो भोग भूमिका है, और मनुष्य शरीर कर्म भूमि भोग भूमिका तो है, भोग भूमिका है, कर्म भूमिका है और मोक्ष भूमिका है। पूर्व जन्म में हमने अच्छे बुरे जो कर्म किए हैं उनका फल भोग इस जीवन में सुख दुख में मिल रहा है। आज हम कर्म कर रहे हैं, कर्म संस्कार बन रहे हैं, और यदि आत्मज्ञान प्राप्त करके परम तत्व को जानकर सब तरफ से निष्काम निर्मोह आसक्त हो गए तो मोक्ष का भी काम कर सकते हैं। तो मानव जीवन हमारा भोग भूमिका भी है, कर्म भूमिका भी है और मोक्ष भूमिका भी है, और इसलिए मानव शरीर को पाना सौभाग्य की बात कही गई है। तो कर्म तो करना है आप और हमें, बिना कर्म किए कोई आदमी रह नहीं सकता। लेकिन ध्यान दें, कर्म कैसे करना है? ऐसे हमारे ऋषियों ने कहा है, शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय जिसे अलग करके बनाया गया है, ईशावास्यु निषद जिसे इस उपनिषद भी कहते हैं, उसका एक मंत्र है, कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीविषे शतम् समाः एवं तेनानि हेतो वस्तुः न कर्म लिप्यते नरे। ऋषि कहते हैं कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीविषे शतम् समाः, तुम कर्म करते हुए पूरा जीवन जीने का प्रयास करो, मतलब पूरी जिंदगी कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करो। आलसी बन करके, निकम्मा बन करके, कायर बन करके मत रहो। जहाँ हो, पति हो, पत्नी हो, सास हो, बहू हो, पिता हो, पुत्र हो, किसान हो, दुकानदार हो, व्यापारी हो, साधु हो, गृहस्थ हो, सबको अपने अपने श्रेणी का कर्म करते रहना चाहिए। ये कर्म करते रहोगे, परिश्रम करते रहोगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, सेवा भी होगी दूसरे की और उत्पादन भी होगा, भौतिक विकास भी होगा, आत्मिक विकास भी होगा। इसलिए कर्म करो। लेकिन कर्म कैसे करना है? स्वार्थ रहित होकर, सरकपट रहित होकर, ऐसा ना करो जंजीर बने। किसी ने बहुत बढ़िया कहा, कर्म तो करना है लेकिन लोभ में पड़कर, मोह में पड़कर, जोश में आकर, भयभीत होकर के दबाव पड़कर काम ना करो। कैसे कर्म करना? सावधानी क्या है कर्म करने की? छोटा सा एक वाक्य है, किसी विद्वान ने बहुत बढ़िया कहा है, हमें सावधान किया है, सबको सावधान किया है, यदि हम समझ लें तो। उस विद्वान ने कहा है, दिन के उजाले में, जैसे अभी दिन था अब रात होने वाली है, दिन के उजाले में ऐसा कोई काम मत करो कि रात अंधेरी में आपको नींद ना आए, करवट बदलते आपकी रात व्यतीत हो जाए। और रात के अंधियारी में ऐसा कोई काम ना करो कि दिन को उजाले में सिर गड़ाकर मुंह ढाक करके चलना पड़े, बस सब कुछ हो जाएगा। कोई क्या कुछ बाकी नहीं रहता है। एक बार फिर मैं रिपीट करता दोहराता हूँ, दिन के उजाले में ऐसा कोई काम ना करो कि रात के अंधियारी में भय के मारे आपको नींद ना आए, और रात अंधेरी में ऐसा कोई काम ना करो कि लज्जा के मारे आपको सिर ढक करके मुंह ढक करके चलना पड़े, बस सारा बेसाहित में आ गया। और यदि ऐसा है दिन के उजाले में ऐसे काम कर रहे हो कि रात अंधेरी में नींद नहीं आ रही है, और रात अंधेरी में ऐसा काम कर रहे हो
दिन गुजारने में मुंह ढांका चल रहे हो तो आपने अपने लिए बहुत बड़ी मोटी जंजीर तैयार कर लिया है, बस इसे बंद कर जाना होगा। फिर आपको केवल रोते रोते जाना होगा, यहाँ कोई काम नहीं आएगा, न गुरु पीर न माता पिता, कोई भगवान भगवती काम नहीं आएंगे। किस भगवान ने कहा है आपको चोरी करने के लिए? किस भगवान ने कहा है आपको झूठ बोलने के लिए? किस भगवान ने कहा आपको लड़ाई झगड़ा करने के लिए, मारपीट करने के लिए, हत्या करने के लिए? भगवान यदि आपसे कहते हैं जो उस आदमी की हिंसा कर दो, हत्या कर दो, उसे लड़ाई करो, झगड़ा करो, उसको लूटो फूको, तब भगवान आपको सहायता करते हैं। अपनी मर्जी से स्वार्थ में आकर, अहंकार में आकर, लोभ में आकर, वासना को वशीभूत होकर के तमाम गलत काम करते हो और पुकारते हो भगवान रक्षा करना, भगवान क्या करेगा? गलत काम आप करो, क्षमा करने काम भगवान का, ऐसा कोई भगवान नहीं है, याद रखना। भ्रम में मत पड़ना कि हम भगवान के की भक्ति कर रहे, भगवान से क्षमा मांगते रहेंगे, गलत काम करते हैं भगवान क्षमा कर, भगवान ऐसा नहीं है। भगवान यदि है तो न्यायी है वो, जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल देगा। एक और भगवान की भक्ति, एक और छल छल मैं और स्वार्थ अहंकार, एक और कुकर्म, साथ कैसे चलेंगे दोनों के लिए? अच्छे कर्मों की कमाई, भगवान की भक्ति का फल ये होता है, अच्छे कर्मों की कमाई, शुभ कर्मों की कमाई। यहाँ देखो, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप मानते हो ना? लोग कहते हैं, लोगों की मान्यता है कि भगवान है ऊपर बैठा हुआ है आकाश में, कुछ को लोग भगवान कहते हैं, कुछ लोग खुदा कहते हैं, कुछ लोग गॉड कहते हैं, कुछ लोग और कहते हैं, ये सब शब्द है, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, यहोवा और ये सब शब्द है। लड़ने का आवश्यकता नहीं है, पानी पियो, पानी, जल, आप, नीर, तो है वाटर, सब एक ही शब्द है, लड़ो मत नाम को लेकर। लेकिन लोग मान्यता है भगवान पिता है हम सबका और हम सब भगवान की संतान, सब भगवान के बच्चे हैं। जरा कल्पना करो, आपके घर में कोई एक परिचित व्यक्ति आया, आपके बेटे को देखा या बेटे को या बेटी को देखा, दाल में दो चांटा लगा दिया, कुछ पकड़ा था, कुछ खा रहा था, छीन करके फेंक दिया, पैर से ठोकर मार दिया और इसके पश्चात आपसे मिला तो आपको आपको फूलमाला पहना दिया, आपको मिठाई भेज दिया और आपके पैर छू करके प्रणाम किया, आप खुश हो गए? आप खुश नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने आपके सामने आपके बेटे या बेटी को लात से ठोकर मारी है, उसके गाल में चांटा मारा है, उसकी चीज को छीन करके फेंक दिया है, आप खुश नहीं हो? खुश कब हो गए? भले वो आपको प्रणाम ना करे, भले आपको मिठाई ना दे, भले आपको माला ना पहनाए, किंतु आपके बेटा और बेटी को प्यार करे, गोद में उठा ले, प्यार करे, स्नेह करे, तब वो आपको भगवान खुश होगा। समझ लो, यदि भगवान पिता है और आप सब संतान हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हो और भगवान संतान के साथ क्या व्यवहार कर रहे हो? भगवान मंदिर में भगवान की बड़ी भक्ति, मंदिर से बाहर निकले भगवान के जो संतान के साथ दुर्व्यवहार, किसी को लूट रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी के झूठ बोल रहे हैं, किसी को कुछ और कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, भगवान के भक्ति लोग तो कहते हैं भैया सब भगवान के भगत, सब भगवान के भगत को लोग कहते क्या है? भैया भगवान तो कण कण में है, कहां भगवान है? भगवान कण कण में है, जर्रे जर्रे में खुदा है, विश्वास है क्या कि कण कण में भगवान है? विश्वास है जर्रे जर्रे में खुदा है? जब कण कण में भगवान है तो मछली मुर्गा बकरा अंडा को खावे कैसे भगवान? तो उसने भी यदि जर्रे जर्रे में खुदा है तो कुर्बानी किसकी कर रहे हो? बकरा मुर्गा भेड़ सुअर के, बकरा मुर्गा आदि के लिए करो तो वहाँ वहाँ खुदा है या नहीं है तुम्हारे? हाँ, कण कण में भगवान है, मछली मुर्गा बकरा को छोड़कर।
जर्रे जर्रे में खुदा है। मछली मुर्गा बकरा भेड़ा ऊंट गाय आदि को छोड़कर ये जबानी भगवान काम नहीं आने वाला है। असली भगवान को समझना होगा। भगवान से प्रेम करना चाहते हो तो इंसान से प्रेम करना शुरू करो। भगवान से प्रेम करना चाहते हो तो न्याय से, नीति से, ईमानदारी से प्रेम करना शुरू करो। नर सेवा नारायण सेवा कही जाती है। यदि नर अलग है, नारायण अलग है, तो नर सेवा नारायण सेवा कभी नहीं बनेगी। नर सेवा नारायण सेवा तभी बनेगी जब जब नर में नारायण होगा या नर ही नारायण होगा। नर अलग, नारायण अलग, तो नर सेवा नारायण सेवा कैसे बनेगी? इसलिए भटको मत, नर में ही नारायण है कहना चाहता है, नर ही नारायण है। इसलिए मनुष्य मात्र के साथ जाति वर्ण वर्ग मतलब धन सबको छोड़ करके प्रेम का, समता का व्यवहार, मृदुता का व्यवहार, सेवा का व्यवहार, सिंहासन अपने आप बन रहा है, बनाना नहीं पड़ेगा। ये मत समझना कि हम भक्ति करते हैं, हम माला जपते हैं, हम मंत्र जपते हैं, हम पूजा करते हैं, हम गंगा नहाते हैं, हम साधु हो गए हैं, हम भगवान भक्ति करेंगे ऊपर आकाश से सिंहासन आएगा। धोखा है, कोई नहीं आने वाला है। ऐसा कोई भगवान नहीं बैठा है आकाश में, और ऐसा कोई भगवान और ऐसा कोई यमराज भी नहीं बैठा है आकाश में। ये तो भावना है हमारी। आकाश ऊपर नीचे कौन बात है? हमारी जो पृथ्वी है घूम रही है ब्रह्मांड में, हम पृथ्वी पर हैं, यहाँ से देखते हैं चंद्रमा हमें दिखाई पड़ता है, ऊपर है चंद्रमा, चले जाओ चंद्रमा दिखाई पड़ेगा, नीचे धरती दिखाई पड़ेगी, ऊपर कौन? ऊपर नीचे की बात है। सूरज में तो हम जाने जाएंगे तो गल जाएंगे, लेकिन मान लो ऐसा साधन निकला हम सूरज में चलेंगे तो सूरज दिखाई पड़ेगा, नीचे धरती दिखाई पड़ेगी, ऊपर कौन? ऊपर नीचे की बात है। इसलिए ऐसा मत समझना कि आकाश में भगवान बैठा हुआ है, घट घट में बैठा हुआ है, घट घट घट। तो इसलिए मानव मात्र के साथ प्रेम का, सेवा का, समता का व्यवहार और अच्छे कर्म, अच्छे आचरण, समझ लो सिंहासन बन रहा है। एक कसौटी करो, मैं अभी पीछे मैंने बात कही थी, दिन भर हम अनेक लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, अनेक प्रकार के काम धाम करते हैं, बात व्यवहार करते हैं, दिन भर तो मिले जुले सब काम धाम की, रात्रि में बिस्तर पर गए, बत्ती बुझ गई, अब सोना है, लेट गए हो, नींद नहीं आ रही, चिंता है, तनाव है, टेंशन में भरा है मन, शिकायत है, उद्वेग है, बदल रहे हो करवट, समझ लेना आपने उस दिन जंजीर बनाने का काम किया है, और जंजीर गड़ रही है आप, और दिन भर काम किए, रात में खाए पिए, बत्ती बुझा दी, भीतर पर लेटे, और लेटने के दो चार मिनट के भीतर नींद आ गई, कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई भय, कोई तनाव, कोई दुख, कोई पीड़ा मन में नहीं, बड़े आराम से सो रहे हो, समझ लेना कि आज मैंने सिंहासन बनाने का काम किया है। सदगुरु कबीर कहते हैं, आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चला एक बंधा जंजीर, राजा हो, रंग हो, साधु हो, महात्मा हो, इस धरती पर जो भी जन्म लेकर आया है सबको जाना, एक नियम याद रखो, जिसकी बरही होती है उसकी तेरी जरूर होगी। इस नियम को कोई मिटा नहीं सकता है, लेकिन वो तेरी होने के पहले जीवन को इतनी सावधानी से जियो। जीवन हमारे हाथ में, मौत हमारे हाथ में नहीं है। मौत सुधारना चाहते हो तो जीवन को सुधारना होगा। जब आप भक्ति करते हो, पूजा करते हो, नाम जपते हो, माला फेरते हो, धर्म का काम करते हो, लोगों से अच्छा व्यवहार करते हो, मन में कोई करवाहट नहीं है, लोभ नहीं है, लोभ नहीं है, मोने अहंकार नहीं है, आपका तन मन वचन के जितने भी कर्म व्यवहार हैं पवित्र हैं, सुंदर हैं, अपने लिए, दूसरों के लिए सुखदायी है, तो आपके जो संस्कार बनेंगे पवित्र,
ये संस्कार ही अपने सिंहासन बनाने का काम करें, यही सिंहासन मन की निर्मलता, मन की निर्मलता, मन की पवित्रता, आत्म पवित्रता, इससे बड़ा सिंहासन और क्या होगा। और मन पवित्र है तो क्या होगा। याद करें कबीर साहब की साखी, कबीर साहब कहते हैं यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर। जब मन निर्मल हो गया गंगा पानी समान, तो गंगा पानी निर्मल नहीं हो, हमने गंदा कर दिया। हमारा मन गंदा है ना, हमारा व्यवहार गंदा, हमारा मन गंदा, हमारा सब कुछ तो गंदा है। और अपनी गंदगी हमने गंगा मैया में डाल दिया, कितना बिगड़ गया है। एक और हम मैया कहते हैं, एक और हम पूजा करते हैं, और सारी गंदगी ले जाकर वही डाल रहे हैं। हमारा मन खराब है ना तो गंगा मैया क्या करेगी। हमारा मन खराब है तो जो धर्म का स्थल माने गए हैं, जहाँ हम मानते हैं ये भगवान का घर, उस भगवान के घर मंदिर मस्जिद को लेकर हम लड़ाई कर रहे हैं। ईश्वर खुदा में लड़ाई नहीं है, ईश्वर खुदा के भक्तों में लड़ाई है, क्योंकि दोनों का मन बिगड़ गया। और दोनों का मन ठीक हो जाए तो ईश्वर खुदा अपने आप प्रेम से रह लेंगे, वे लड़ाई नहीं करेंगे। तो जिनका मन पवित्र है, निर्मल है, उसके लिए हर समय सिंहासन सिंहासन है। और जिसका मन गंदा है, कोई हो, साधु हो, महात्मा हो, गुरु हो, पीर हो, महंत हो, पुजारी हो, धार्मिक हो, तीर्थवासी हो, जिसका मन गंदा, उसके लिए नरक, उसके लिए जंजीर तैयार। कुछ काम नहीं आने वाला, कुछ काम नहीं आने वाला है। हम धोखा दे रहे हैं अपने को, अपनी आत्मा को और अपनी परमात्मा को। बहुत धोखा दे दिए, बहुत धोखा दे दिए। अब धोखा देना बंद, रास्ता बदलो। मैंने कहा कि आपका जो विश्वास है उधर से पूजा करो, पाठ करो, नाम जपो, हवन करो, तर्पण करो, आप स्वतंत्र हो। उसके लिए कोई कठिनाई नहीं, हर आदमी स्वतंत्र है। लेकिन किसी भी हालत, किसी चीज के लिए, किसी बात को लेकर के अपने मन को खराब मत करो, अपने वाणी को, अपने कर्म और आचरण को खराब मत करो। यदि ऐसा हो जाए तो हमारी धरती स्वर्ग बन जाएगी, हर आदमी के सिंहासन तैयार हो जाएगा और हर आदमी सिंहासन बैठकर स्वर्ग का सुख भोगता रहेगा। तो सदगुरु कबीर की साखी मैंने कही, आए हैं जो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ा एक बंधा जंजीर। मन के जो गलत विचार है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लोभ, मोह, स्वार्थ, अहंकार, कुटिलता, ये सब जंजीर, इनको हटाओ। दया, क्षमा, प्रेम, सेवा, भक्ति, सद्भावना, सुंदर वाणी, कोमल विचार, कोमल व्यवहार, ये सिंहासन ये बना लो, सब सफल हो जाएगा, सब सफल हो जाएगा और मानव जीवन पाना हमारा सार्थक हो जाएगा। यही रास्ता है हमारे लिए और आपके लिए, सुख का, शांति का, कल्याण का, और यही रास्ता है स्वर्ग जाने का। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। 5 मिनट और आप लोग बैठे रहिए।